Hi guys, my name is Nitish and you're welcome to my YouTube channel. So this is going to be a emotional and special video. हमने recently 100 के subscribers का mark cross किया and honestly now that I'm thinking this is a big deal. मुझे time नहीं मिला पिछले एक दो दिन में आप लोगों से बात करने का और thank you बोलने का, but now that अभी time मिला है I would like to say thank you to you guys. So 100K is a big milestone. Honestly for me it is. बीच में मुझे लगने लगा था कि मे बी ये चैनल कभी 100K तक नहीं पहुँचेगा. So milestones are special, right? Milestones are quite special because milestones की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है ना कि जब आप किसी milestone पे पहुँचते हो तो वहाँ से आप दो चीज़ें कर सकते हो. पहला, आप पीछे मुड़ के देख सकते हो कि आपने अभी तक कितनी जर्नी कवर की, और फिर आप आगे की तरफ भी देख सकते हो कि अभी कितनी दूर और जाना है. तो इस वीडियो में मैं दोनों तरफ बात करना चाहूँगा. मेरी अभी तक की जर्नी कैसी रही है यूट्यूब पे वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, स्पेशली अगर आप लोगों में से कोई लोग अभी रिसेंटली मेरे चैनल को ज्वाइन किए हो. और साथ ही साथ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इस चैनल को लेकर के. तो लेट्स स्टार्ट विद द पास्ट. अभी तक की जर्नी के बारे में बात करते हैं. सो अगर आप मेरे चैनल पे जा कर के ओल्डेस्ट सेलेक्ट करोगे वीडियो में तो यू वुड फाइंड कि जो पहला वीडियो मैंने डाला इस चैनल पे दैट वाज इन सितंबर 2019. सो टेक्निकली 100K पहुंचने में मुझे 4 साल लगे. मेरे हिसाब से इट इज़ स्लो. बहुत सारे चैनल्स इससे बहुत कम टाइम में 100K तक पहुँच जाते हैं. मुझे कितना टाइम लगा एक बार मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ. सो 2019 में आई वॉज टीचिंग ऑफलाइन मोस्टली, और उन्हीं में से कुछ क्लासेस का रिकॉर्डिंग मैं इस YouTube चैनल पे डाल देता था. इनफैक्ट अगर आप कुछ मेरे पुराने वीडियोस देखोगे वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मैं सच में क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ. तो दोज वर फन डेज. मुझे हमेशा ऑफलाइन पढ़ाना ज़्यादा अच्छा लगता है ऑनलाइन के कंपैरिजन में. एक बहुत ह्यूमन एलिमेंट होता है उसका. बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मैं उतना रेगुलर नहीं था इस यूट्यूब चैनल पे. ज़्यादातर टाइम मेरा ऑफलाइन क्लासेस लेने में जाता था, तो इक्का दुक्का वीडियोस मैंने डाले होंगे उस टाइम पे. उसके बाद आई रिमेंबर 2020 में कोविड आ गया, और कोविड के आने के बाद से मेरा वो जो बिज़नेस था जहाँ पे मैं ऑफलाइन पढ़ाता था वो बंद हो गया, और देन आई रियलाइज्ड कि ऑनलाइन मूव करना पड़ेगा. तो देन आई स्टार्टेड टेकिंग जूम क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, एंड उसका कुछ कुछ कंटेंट मैं फिर से शेयर करने लग गया 2020 में. सो आई वुड से 2020 तक भी आई वॉज नॉट रेगुलर. कॉन्स्टेंटली मैं वीडियोस नहीं डालता था, कोई शेड्यूल नहीं था, एंड दैट इज़ वाई कुछ ऐसा ग्रोथ भी नहीं था चैनल पे. हार्डली मुझे लगता है मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए होंगे 2020 में अगस्त के अराउंड. और उसके बाद 2021 में एक्चुअली मैंने सीरियसली कॉन्टेंट डालना स्टार्ट किया यूट्यूब पे. This was the time when I started a playlist by the name of 100 Days of Machine Learning. और आज के डेट में प्रोबेबली मेरे चैनल की सबसे फेमस प्लेलिस्ट है. बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं वो लोग ये प्लेलिस्ट देखते हैं, और बहुत सारे मेरे को मैसेजेस आए कि उनको प्लेलिस्ट बहुत अच्छा लगा. तो दिस वाज द टाइम जब थोड़ा सा चैनल में मैं कॉन्स्टेंटली लाइक विद अ शेड्यूल वीडियोज़ डालने लगा. फिर उसके थोड़े आगे मैंने और प्लेलिस्ट स्टार्ट की. मैंने NLP के ऊपर एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की, मैंने प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने डीप लर्निंग के ऊपर भी एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया. एंड ऐसे करते करते हम अराउंड आई गेस 2021 दिसंबर में 10,000 सब्सक्राइबर्स का मार्क क्रॉस किए, विच इज़ अगेन वेरी स्लो. बट उसके 2-3 महीने बाद क्या हुआ कि आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मैं जितना एफर्ट डाल रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पे उतना मुझे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, और धीरे धीरे मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लग गया. दिस वाज 2021, और फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा होने लग गया कि इवेंचुअली मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इस चैनल के ऊपर और कंटेंट नहीं डालूँगा. थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ भी होने लग गए थे उसी टाइम पे. तो ऑन द होल मुझे लगा कि आई गेस यूट्यूब पे कॉन्टेंट डालने का आइडिया अच्छा नहीं है. तो उस टाइम आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मुझे याद है मैंने एक वीडियो डाला था माई यूट्यूब फेलियर बोल के, और उस वीडियो में मैंने खुद को इस चैनल को कंपेयर किया था हमारे ही डोमेन के बाकी यूट्यूबर्स के साथ, और मैंने बताया था कि किस तरीके से बहुत सारे वीडियोस डालने के बावजूद सब्सक्राइबर्स नहीं है मेरे चैनल पे. एंड हुआ क्या उस वीडियो को डालने के बाद कि बहुत लोगों ने मैसेजेस किए। उस टाइम पे अराउंड 12-13 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे मेरे और बहुत लोगों ने मैसेजेस किए। आप एक बार आज उस वीडियो पे जाओगे ना तो यू वुड सी प्रोबेबली 300-400 लोगों ने कमेंट किया उस वीडियो के ऊपर और बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिख करके उन्होंने मुझे सजेशंस दिए कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। एंड दैट डे आई रियलाइज्ड कि मैं शायद गलत चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ। सब्सक्राइबर्स चाहिए मुझे, नंबर्स ऑफ व्यूज़ बढ़ने चाहिए। फिर मुझे लगने लगा कि नहीं यार, ये सब इतना मैटर नहीं करता। मैटर करता है ये सारे लोग जो इतना टाइम निकाल के अपनी लाइफ से बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख करके मुझे हेल्प करना चाह रहे हैं, मुझे सजेस्ट करना चाह रहे हैं। तो इट मेंट अ लॉट फॉर मी एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि यार एक काम करते हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ के पीछे नहीं भागते, इनफैक्ट टेंशन लेना ही छोड़ देते हैं। वो गीता का वो कोट है ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, उसको फॉलो करते हैं। एंड आई जस्ट डिसाइडेड आफ्टर दैट डे कि आई वुड नॉट केयर फॉर सब्सक्राइबर्स, आई वुड नॉट केयर फॉर यू नो मेकिंग स्मॉलर वीडियोज़। जैसा मैं बनाता हूँ वैसे ही मैं वीडियोज़ डालूंगा, लोगों को अगर आना होगा तो इवेंचुअली अपने आप आने लग जाएंगे। एंड दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद से ऑटोमेटिकली समहाउ सब्सक्राइबर्स बढ़ने लग गए। मोस्ट लाइकली आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने अपने लेवल पे बहुत मार्केटिंग किया मेरे चैनल का। मेरे को आज तक भी लिंक्डइन पे मैं देखता हूँ ना तो बहुत लोग हैं जो मेरे को टैग करते हैं, मेरे वीडियोस को टैग करते हैं और बहुत सारे ग्रुप्स में मुझे दिखता है कि लोग मेरे वीडियो सर्कुलेट करते हैं। तो थैंक यू टू यू गाइज जो लोग शुरू से हो, साथ में आप लोगों ने बहुत हेल्प किया और आई गेस आप लोगों की वजह से ही फिर चैनल थोड़ा तेज़ी से ग्रो करने लगा। 2022 में दिसंबर में हम लोग 50,000 का मार्क क्रॉस किए और फिर अभी बस 13 तारीख को हम लोग 13 जुलाई को वी क्रॉस्ड 100 के। सो या मतलब ऑन द होल इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी। एट टाइम्स इट वॉज पेनफुल, एट टाइम्स इट वॉज सैड, बट I can tell you पलट के when I see this journey, the thing that gave me the most happiness was your comments. आप लोगों ने comments में you made sure कि यार बंदे को पेट्रोल मिलता रहे ताकि वो videos डालता रहे and trust me it has helped me a lot. ठीक है, so yeah, anyone who is watching my videos since last 2 years, 3 years, थैंक यू टू यू गाइज। आप लोगों की वजह से ये चैनल यहाँ तक पहुँच पाया एंड आई रियली होप और आगे तक जाए। अगर आप मुझसे पूछो कि मैंने क्या सीखा इन 2-3 सालों में, तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी वो है पेशेंस, कि टाइम लगता है बट आई गेस फल भी मिलता है। सो या पेशेंस इज़ वन थिंग दैट आई हैव लर्नड एंड इट्स अ ग्रेट थिंग टू लर्न ऑनेस्टली। जो भी लोग यहाँ पे यंग हो, स्टूडेंट हो, आप लोग भी अगर पेशेंस सीख पाओ दैट इज़ अ ग्रेट थिंग टू हैव। सेकेंड जो चीज़ मैंने सीखी कि आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर, आई एम अ टीचर। इनफैक्ट मुझे मैं कभी भी वो होता है ना थंबनेल में क्लिक बेट्स वगैरह लगाना, मेरे से नहीं हो पाया। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि थोड़ा नेगेटिव सा टाइटल ऐड करो, थोड़ी सी शक्लें बनाओ और बस पैकेजेस दिखाओ, उससे व्यूज़ आते हैं। मैं नहीं कर पाया कभी भी, मेरा कॉन्शियस मेरे को अलाउ नहीं किया। मेरे को ये बात समझ में आ गई कि आई एम अ टीचर, मेरा काम है एक टेक्नोलॉजी को पकड़ना और अपने स्टूडेंट्स के लिए उसको सिंप्लीफाई करके उनके सामने लेके आना। तो ये 2 बहुत बड़ी लर्निंग्स थी, पेशेंस नंबर 1, नंबर 2 अपना ब्रीड समझ में आया। तो गोइंग फॉरवर्ड भी आई वुड ट्राई टू बी ऑनेस्ट, जो अभी तक करते आ रहे हैं उसी को करते जाएंगे। अब बात करते हैं थोड़ा प्रेजेंट की, कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। सो आई गेस आप लोगों को पता ही है पिछले 8 महीनों से मैं एक डेटा साइंस मेंटोरशिप प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा हूँ और बहुत जान लगाई है इस प्रोग्राम के ऊपर। सो कहानी कुछ ऐसी है कि कुछ 8-9 महीने पहले मुझे बहुत मैसेजेस आने लग गए थे कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने पैसे लेकर के स्कैम किया है और अच्छा नहीं पढ़ाया, प्लेसमेंट नहीं कराया। एंड मैंने एक वीडियो बनाया था उसके बाद कि हाउ एडटेक कंपनीज आर स्कैमिंग यू, ऐसा एक वीडियो है मेरे चैनल पे। तो उस वीडियो के रिस्पॉन्स में मुझे और भी लोग दिखाई दिए जिन लोगों के साथ ये सेम चीज़ हुई है। फिर कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर ऐसे वीडियोस बना देना बहुत आसान है, कोर्स बनाओ ना फिर आप, अगर आप सच में हेल्प करना चाहते हो। एंड वो फिर मेरे को थोड़ा सा हिट किया एंड देन आई डिसाइडेड कि यार ठीक है चलो आई विल मेक अ कोर्स विच विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट इन द सेंस सारा टॉपिक्स उसमें हो एंड इट वुड बी लाइक वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इट शुड बी अफोर्डेबल, कम पैसों में वो कोर्स हो. तो आई स्टार्टेड दैट कोर्स इन नवंबर और अभी भी वो चल रहा है. ऑलमोस्ट 150 सेशंस में ले चुका हूँ लाइव और अराउंड 400 आवर्स का प्लस माइनस कंटेंट बन चुका है. एंड आई एम प्राउड टू से कि मैंने जान लगाई है इस कोर्स में और कोर्स का अभी तक का जो फीडबैक है वो भी अच्छा रहा है. जो लोग कर रहे हैं दे हैव टोल्ड मी कि द कोर्स इज़ टर्निंग आउट टू बी गुड. तो या करेंटली मैं इस कोर्स के पीछे हूँ. ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा अगस्त मिड के अराउंड एंड बहुत बड़ा एक टास्क जो मैंने लिया था वो ख़त्म हो जाएगा. तो अब बात करते हैं फ्यूचर की. फ्यूचर का क्या सीन है तो मैं आपको बताता हूँ फ्यूचर के बारे में मैंने क्या सोचा है, फिर मैं आपसे भी सजेशंस लूँगा. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू इज़ कि मेरी आत्मा पे एक बहुत बड़ा बोझ है अभी और वो बोझ है मेरा डीप लर्निंग प्लेलिस्ट. वो इनकम्प्लीट है अभी और उसको मैंने बीच में छोड़ करके मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया और फिर मैं यू नो फोकस नहीं कर पाया उस टॉपिक के ऊपर कि मैं वीडियोस बना पाऊँ. सब पर कंटेंट मैं डाल नहीं पाता हूँ, अगेन अलाउ नहीं करता मेरा कॉन्शियस मुझे. तो वो प्लेलिस्ट अटक गया. बहुत लोगों ने मेरे को मैसेजेस किए हैं लाइक आई डोंट नो, बहुत बददुआएं मिली होंगी मुझे बट आई एम रियली सॉरी मैं नहीं बना पाया. उस प्लेलिस्ट को मैं कंप्लीट नहीं कर पाया. तो मेरा सबसे पहला टास्क होगा ये मेंटोरशिप प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद कि मैं उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करूँगा. वैसे भी आज की डेट में डीप लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, आई गेस आपको पता चल ही रहा होगा ये. तो येस, द फर्स्ट टास्क इज़ टू कंप्लीट दैट प्लेलिस्ट इन अ वेरी गुड वे. उसके बाद मैंने ये सोचा है कि इस चैनल का डायरेक्शन हम उसी तरफ रखेंगे जिस तरफ इंडस्ट्री मूव कर रही है. आज की डेट में जितना मुझे दिख रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनरेटिव एआई, एलएलएम्स, डीप लर्निंग, एआई टूल्स और इस तरह की चीज़ों के ऊपर बहुत काम चल रहा है. रिसेंटली बहुत सारी कंपनीज़, स्टार्टअप्स फंडेड हो रही हैं जो इन डोमेन्स में काम कर रही हैं. तो फॉर श्योर एक साल में इस डोमेन में बहुत जॉब्स निकल के आने वाले हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बोला मैं एक टीचर हूँ, मेरा काम है टेक्नोलॉजी को पकड़ना, उसको सिंप्लीफाई करना अपने स्टूडेंट्स के लिए. तो आई विल स्टे ट्रू विद दैट. मैं यही करने वाला हूँ गोइंग फॉरवर्ड. पिछला एक साल बहुत स्पेंड किया मशीन लर्निंग में, अगला एक साल प्रोबेबली आई विल स्पेंड अ लॉट इन डीप लर्निंग एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़. बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे थोड़ा गाइड करो. आप लोग देख रहे हो इस चैनल को और आप बताओ कि आप क्या देखना चाहोगे इस चैनल पे. क्या प्लेलिस्ट आप देखना चाहोगे, क्या चेंजेस आप देखना चाहोगे. जो भी सजेशंस हैं आपके पास आप प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट्स में लिखना. मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और अगर मुझे लगेगा कि कोई एक बात बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मैं डेफिनेटली उसको फॉलो करूँगा. प्लीज़ ये मत लिखना कि डीप लर्निंग प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दो. आई प्रॉमिस यू प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगा वंस द मेंटोरशिप प्रोग्राम इज़ ओवर. सो या अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपके कोई सजेशंस हैं प्लीज़ डू राइट. ठीक है, सो या आई गेस दैट इज़ प्रिटी मच द समरी. पास्ट भी हो गया, प्रेजेंट भी हो गया, फ्यूचर भी हो गया. अब एक लास्ट चीज़, खुशी का मौका है और खुशी थोड़ी बांटनी चाहिए. तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू अ डिस्काउंट ऑन माई डेटा साइंस मेंटोरशिप प्रोग्राम. ऑनेस्टली मैंने अभी तक ₹1 का भी डिस्काउंट नहीं दिया है किसी को बिकॉज मुझे लगता है कि जो मैं चार्ज कर रहा हूँ ₹5600 वो बहुत कम है ऑलरेडी. तो दैट्स वाई मैंने अभी तक कोई डिस्काउंट्स नहीं दिए. बट फिर पिछले एक हफ्ते में बहुत लोगों ने मैसेजेस किए कि सर हम स्टूडेंट हैं और आपका कोर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, 100K के सेलिब्रेशन में एटलीस्ट आप डिस्काउंट दे दो. तो चलो आई विल गिव यू अ डिस्काउंट. सो ये कोड है, ये कोड अगर आप हमारी वेबसाइट पे अप्लाई करोगे तो आप हमारा डेटा साइंस मेंटोरशिप प्रोग्राम जो कि करेंटली ₹5600 का है आप उसको परचेज़ कर सकते हो इन द प्राइस ऑफ ₹4800. एक हफ्ते तक ये डिस्काउंट कोड वैलिड रहेगा. उससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, ट्रस्ट मी. ये कोर्स उससे बहुत ज़्यादा का है और आई कैन नॉट अलाउ कि ये डिस्काउंट थ्रू आउट रहे. ठीक है, सो या इन समरी वीडियो ख़त्म करने के पहले बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का. स्पेशली वो लोग जो बहुत दिनों से इस चैनल पे हो और वीडियोस देख रहे हो और लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, रियली थैंक यू. नेक्स्ट टारगेट इज़ 1 मिलियन. नंबर्स दिमाग में रहते हैं तो थोड़ा फोकस रहता है. सो या दैट्स इट. और कुछ है नहीं मेरे पास कहने के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं आगे के वीडियोज़ में. बाय.